मजलिस तलबा, अस्सलाम अलैकुम। तुम्हें जो ये तस्वीर दिखाई जा रही है उन्हें गौर से देखो, शायद तुम उन्हें जानते भी हो, इनके नाम भी जानते हो, लेकिन ये हमारे आसपास नज़र नहीं आते, है ना? फिर ये कहाँ रहते होंगे? जंगल में। हाँ प्यारे बच्चों, ये जो जानवर तुम्हें तस्वीर में नज़र आ रहे हैं ये जंगल में रहते हैं, इसीलिए तो हम इन्हें जंगली जानवर कहते हैं। ये तस्वीर में तुम्हें शेर और चूहा साथ में नज़र आ रहे हैं। तुम सोच रहे होंगे शेर इतना ताकतवर और चूहा इतना कमज़ोर, लेकिन बच्चों क्या तुम्हें इनकी कहानी पता है कि ये दोनों कैसे पक्के दोस्त बन गए थे? मैं आपको इनकी कहानी सुनाती हूँ। एक दिन की बात है, जंगल का राजा शेर सो रहा था। एक छोटा चूहा अपने बिल से दौड़ कर आया और शेर के जिस्म पर उछल कूद करने लगा। उसे बड़ा मज़ा आ रहा था उसके जिस्म पर उछल कूद कर खेलने का। इससे शेर की आँख खुल गई, उसने चूहे को अपने पंजे में पकड़ लिया और गुर्रा कर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे जिस्म पर उछल कूद करने की, मैं अभी तुम्हें खा जाऊँगा। चूहा डर गया। चूहा बोला, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारिए, किसी दिन मैं भी आपके काम आ सकता हूँ। शेर को चूहे पर रहम आ गया, उसने चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिन बाद एक शिकारी जंगल में आया, वो अपना जाल बिछाकर चला गया। शेर उस जाल में फंस गया। शेर ने जाल से बाहर आने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाया। वो ज़ोर ज़ोर से दहाड़ने लगा। चूहे ने जब शेर की आवाज़ सुनी तो दौड़ता हुआ आया। उसने देखा कि शेर जाल में फंसा हुआ है। उसने शेर से कहा, मैं तुम्हें अभी इस जाल से आज़ाद किए देता हूँ। चूहे ने अपने दांतों से जाल को कुतर डाला और शेर आज़ाद हो गया। उसी दिन से दोनों पक्के दोस्त बन गए। तो बच्चों, आज मैं तुम्हें दो दोस्त ये कहानी सुनाती हूँ, आप उसे गौर से सुनिए।